यार बहुत बारिश रही है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े दिलवा दिए मुझे, थैंक्स कपड़ों के लिए। लेकिन यार थैंक यू, ये क्या बात है यार, तुम मेरे मुझे दोस्त पता हो नहीं था हमारी ऐसी मुलाकात होगी, बस यार। इत्तेफाक से ये अच्छा बात थी, इसलिए वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था। लो ब्रदर, मैंने भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो कह रहा था 10 मिनट में ले आऊँगा। भाई और सुनाए, आप कैसा रहा सफर आपका? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुका। बाहर के यार यार खाना कॉल आ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलो, इधर आ रहे हो? हाँ आज मेरा बालपुर वाला दोस्त भी आया। यार फिर कॉल आ रही है, उसी भी है दोस्त। हेलो बायरो, हाँ आ जाओ अंदर, हम अंदर ही बैठे हैं सामने वाले रूम। हाँ मैं भी नहीं आ सकता बाहर वैसे। और अन्य जो हम चले हैं फिर मिलेंगे। बैठो ना यार, नहीं यार खाना खा नहीं, ले खाना। टाइम हो ठीक है, गया। ओके अल्लाह हाफिज। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज। कैसा लगा हमारा सिटी? बहुत अच्छा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ और बहुत सी अच्छी अच्छी जगह हैं। कल चलोगे हमारे साथ इमाम बारगाह? कोई मसला तो नहीं है? मुझे क्या टेंशन है, पता तो है मैं ऐसी बातें नहीं सोचता। चलेंगे इमाम बारगाह। ये भी अच्छा है। हाँ बंदा रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल सारी टेंशन से फ्री। बहुत प्यारा व्यू आता है। हकदार नहीं लाऊं।
है जान अली, जेंदा मुर्शिद अली सरकार नहीं, जेंदा मुर्शिद अली सरकार नहीं, होने जन्नत दा होना हकदार नहीं, लाओ नारा अली दा बबू, लाओ नारा अली दा, नारा अली दा यानी हक दे वली दा बबू, लाओ नारा अली दा, अली अली कहने वाले वली बन जाने ने, शाम अली जेड़ा मनदा अली नू सरदार नहीं, जेड़ा मनदा अली नू सरदार नहीं, उन्हें जन्नत दा होना हकदार नहीं, लाओ नारा अली दा मुझे यकीन नहीं आ रहा कल तुम मेरे साथ इमाम बारगाह गए थे। क्यों, इसमें यकीन करने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं शिया हूँ और तुम सुन्नी हो। तो इसमें क्या है, इंसान नहीं है? क्योंकि जो मेरे पहले दोस्त आए थे उन्होंने मेरे साथ दोस्ती की है, लेकिन बाद में जब उनको हकीकत पता चली है कि मैं शिया हूँ तो फिर उन्होंने दोस्ती तोड़ दी। लोगों का क्या करना है, लोग तो होते ही ऐसे हैं, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शिया हो या हिंदू हो या सिख हो ईसाई हो, बस अच्छा दोस्त होना चाहिए। यार तुम बचपन से ही ऐसे थे या बुए हो? बचपन से मेरी यही सोच थी, लेकिन लोगों को ये बात अजीब लगती है। कुछ लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, जिनको मैं समझ आ जाता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। मैं किसी की नहीं सुनता, बस अपने दिल की सुनता हूँ बस। क्योंकि मैंने सबको खुश करना है, सब खुश होंगे तो अल्लाह पाक भी खुश होंगे। किसी का दिल दुखाओ तो अल्लाह पाक बहुत नाराज होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, है तो इंसान ही ना। यार तुम दुनिया में वन पीस हो, सिर्फ वन पीस। ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे। मैंने तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। अगर ये दुनिया सारी ऐसे हो जाए ना तो लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी दुनिया से। जब हम सीख जाएंगे क्या हम किसी के मामले में नहीं बोल सकते, जज सिर्फ अल्लाह पाक करते हैं। लोग ये नहीं देखते कि हमारे अमाल क्या हैं, लेकिन औरों का डिसाइड करते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। अपना नहीं पता होता किसी को। हाँ यार, उसके लिए पैसे मिल जाए ना बस सब ठीक हो जाएगा। इसे क्यों बुलाया यहाँ? मैंने बुलाया है। इसे निकालो वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मेरा दोस्त है यार। इसे मैंने कहा निकालो। रुको रुको, एक मिनट, मैं साथ आता हूँ।
मैं एक शर्त में मानूंगा तुम्हें मेरे घर की सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना। कितने दिन? तुम बताओ बस, करोगे नहीं? इस दुनिया में कोई नहीं जाना ये ना पूछो कौन कहां से यहां पे आया क्या है फसाना ये बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू परेशान क्यों चांद तारे तोड़ के लाऊं सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं अपनी कहानी किसको सुनाऊं नादानियां वो कैसे समझाऊं खुशियों से आंचल तेरा मैं भर दूं बात जो मैंने कहनी थी तुझसे सोचता हूं मैं आज ही कह दूं झूठी मोटी बातें करके मुझको सताते हो खुद ही रूठ जाते हो तुम बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू परेशान यार तुम उसको इतने पैसे ना दो अगर उसने फ्रॉड किया फिर क्या करोगे नहीं करेगी ना वो फ्रॉड मुझे पता है उसका सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं तुम उसको जानते हो क्या सारी लड़कियां ऐसी होती
बस मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम मत दो यार, मैंने देने हैं, वो मुश्किल में है। फिर फ्रॉड हो गया, मेरे पास मत आना। एक मिनट, नहीं क्या फ्रॉड होगा मेरे साथ? तुम जानते हो उसे? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे से जल रहे हो? क्योंकि तुम बाहर फैमिली की शादी नहीं कर सकते सैयद होने की वजह से। देखो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? तुम कर रहे हो, तुम जानते हो उसको? ठीक है, अब तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हाथ क्यों लगाया मुझे? मैंने कुछ कहा था तुम्हें? जाओ तुम, निकलो यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे दोस्त मुझे। पर कभी शक्ल मत दिखाना अपनी।